नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे, तो आज हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से संबंधित 100 प्रश्न करेंगे। और आज के प्रश्न मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे लिए हैं, जिसमें से ये जो प्रश्न है आरपीएससी और यूजीसी नेट के जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें से जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से प्रश्न पूछे गए हैं वो उठाए हैं मैंने प्रश्न, और कुछ मैंने बुक से उठाए हैं प्रश्न और कुछ मैंने खुद से बनाए हैं। तो 100 प्रश्न आज हम करेंगे प्रगति और प्रयोगवाद से। तो जो पहले बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए। तो चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। मैं किसी भी प्रश्न के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो करना नहीं चाहती हूँ, 25 से 30 मिनट के वीडियो में 100 प्रश्न हम करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है इन चार विकल्प में है जो, तो वो है स्थूल सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रगतिवाद के संबंध में यह जो कथन है गलत है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद का आधार क्या है? प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो वो है अगे, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनको आप ध्यान में रखिएगा, और अगर आपने टॉपिक नहीं क्लियर किया है तो कर लीजिएगा। प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, छायावाद से, भारतेंदु द्विवेदी, इन मंडल से कौन कौन से कवि हैं, कौन से नहीं है, इस तरह के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार कौन है? तो ये है नागार्जुन, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंत ने अपनी किस कृति में युग की वाणी बताया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, युगवाणी को बताया है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निराला की वह रचना जिसमें सर्वहारा वर्ग की दीन दशा का उल्लेख हुआ है, किस रचना में हुआ है निराला की? इन चार विकल्प में से तो ये हुआ है, वो तोड़ती पत्थर, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इन चार विकल्प में से एक सुमेलित नहीं है, वो आपने बताना है छांट के। तो जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प सी अजय खंडर। अजय खंडर निराला की नहीं है, ये रंगे राघव की है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वैसे मैंने इसका उत्तर बता दिया, आपको खुद पता होना चाहिए। तो जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता है उनको नोट डाउन करते रहें और खुद से सर्च करके उस पर वर्क करें, उसको याद करें। अगला प्रश्न है, मांझी ना बजाओ बंसी कविता के रचयिता कौन है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फूल नहीं रंग बोलते हैं नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प सी केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई? तो ये हुई 1936 में, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिन के लिए संपादन किया था? किस पत्रिका का कुछ दिन के लिए संपादन किया था? तो ये किया था दीपक का, विकल्प सी सॉरी विकल्प डी आएगा, सी नहीं है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र मानकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविता की? तो किस कवि ने उन पर आरोप लगा के कविता की? तो ये नागार्जुन ने की थी, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंदूर तिलकत भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविताओं का रचनाकार कौन है? इन चार विकल्प में से हाँ बताइए कौन है? तो वो है नागार्जुन जी, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रतन गर्भ खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो वो है नागार्जुन, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार कौन है? इन चार विकल्प में से तो वो हैं नागार्जुन जी, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
चमगादड़ की वृत्ति ना, लेकिन मैंने सीखी दृढ़ निष्ठा अपना ना सका। मैं स्वान सरीखी। उपर्युक्त पंक्तियों में वर्णित चमगादड़ और स्वान किसके प्रतीक हैं? इन चार विकल्प में से देख के बताइए किनके प्रतीक हैं चमगादड़ और स्वान। तो ये हैं चाटुकार, कवि और लेखक के। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है? ये बताना है आपने। तो ये है 1936 से 1943। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं है, किसकी कथन है? किसका कथन है ये? ये जो कथन दिया है ये किसका है? तो ये है शिव मंगल सिंह सुमन का। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो वो है हरिओद। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मारो 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 हंसियाँ, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति दी है किस कवि की है? तो ये है केदारनाथ अग्रवाल की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसे प्रगतिवादी कवि जो बड़े कवि तो नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए? तो वो हैं इन चार विकल्प में से रामविलास शर्मा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लंदन में गठित भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का नेतृत्व किया था किसने? इन चार विकल्प में से तो ये किया था मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर ने। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना गया है? ये बताना है आपने, प्रगतिवाद का प्रवर्तक किसे माना गया है? तो ये माना है पंत जी को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? नहीं है तो वो है विकल्प सी। इसमें प्राकृतिक चित्रण का, सॉरी, इसमें प्रकृति चित्रण को प्रधानता दी गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये प्रवृत्ति नहीं है प्रगतिवाद में। कौन सा कथन सही नहीं है? इन चार विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसी तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है विकल्प सी। वर्ग संघर्ष को प्रगतिशील कवियों ने हानिकारक बताया है, जबकि हानिकारक नहीं प्रगतिशील बताया है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिवदान सिंह का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ये बताना है आपने, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था विशाल भारत में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिल्लोल नामक रचना के रचनाकार कौन है? ये बताना है आपने। तो ये है शिव मंगल सिंह सुमन। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? सबका अपना आकाश किसका काव्य संग्रह है? तो ये है त्रिलोचन का। विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? तो ये हुआ है युग की गंगा में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, संशय की एक रात का कथानक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रामकथा से। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आगे की विचारधारा पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? तो T.S. Eliot का प्रभाव है आगे की विचारधारा पे। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह कितने खंडों में विभक्त है? ये बताइए कितने खंडों में विभक्त है? तो ये 3 खंडों में विभक्त है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है किसने कहा है? तो ये अगे ने कहा है जी, अगे ने कहा है। अगला प्रश्न है, सन 1947 में अगे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? बताइए। तो ये किया था प्रतीक पत्रिका। विकल्प भी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, धर्मवीर भारती की रचनाएं किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी?
तो किस सप्तक में प्रकाशित हुई थी धर्मवीर भारती की रचनाएं? तो ये हुई थी दूसरे सप्तक में। विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अगे को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं प्रयोगवाद का अगुआ नहीं पिछलगुआ हूं, उपर्युक्त कथन किसका है? तो ये कथन है विकल्प सी, दिनकर जी का। तो विकल्प, हाँ, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था क्या? दोष था प्रयोगवाद का सबसे बड़ा, तो ये है लोक कल्याण की उपेक्षा। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दूसरे सप्तक में। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो चारों के चारों सप्तक में जो भी कवि आए हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त धमनियों में, उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ हो नारी? ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं इन चार विकल्प में से? तो ये पंक्तियाँ हैं अगे की। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मराक्षस नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना है? शिलापंख चमकीले किस कवि की रचना है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर की। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से विजय देव नारायण शाही की काव्य कृति कौन सी है? तो ये है मछली घर। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से कौन सा वर्ग प्रयोगवाद का केंद्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इन चार विकल्प में से, मध्यवर्गीय लघु मानव। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगे का प्रथम काव्य संग्रह भग्न दूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? अगे की जितनी भी रचनाएं हैं ना, तो वो सभी आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो वो अगे की जो भग्न दूत है काव्य संग्रह, वो प्रकाशित हुई थी 1933 में। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सांप अगे की एक कविता है, कैसी कविता है ये सांप अगे की? तो ये एक व्यंग कविता है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, धर्मवीर भारती ने बहुत लंबे समय तक संपादन किया था किसमें? इन चार पत्रिकाओं में से बताइए देख के किसमें? तो धर्मयुग में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताओं का वर्णन जो किस शैली में हुआ है? ये जो कविताएं दी गई हैं किस शैली की हैं? तो ये एक फैंटेसी है, फैंटेसी कविता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से सर्वेश्वर की काव्य रचना नहीं है, काव्य रचना सर्वेश्वर की इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो है मुक्ति मार्ग। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तार सप्तक की परिकल्पना किसकी बुद्धि की उपज है? ये बताना है आपने किसकी बुद्धि की उपज है। तो ये है प्रभाकर माचवे की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद, अब हम 50 प्रश्न कर चुके हैं, 51 प्रश्न पे आ गए हैं। तो जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा, प्रश्न आपके सामने हैं इनको पढ़िए। ये प्रश्न मैंने लिया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था इस तरह का प्रश्न, तो मैंने उठा लिया। उम्मीद है आपके नेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा प्रैक्टिस सेट के लिए। तो प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तो इसमें जो असंगत है वो है बी, यह व्यक्ति अनुभूति और समष्टि अनुभूति को एक ही सत्य के रूप में मानता है, ये गलत होगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? सर्वप्रथम पूछा गया है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, तो ये हुई थी लंदन में। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? तो ये है कुरुक्षेत्र से। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगे के अनुसार तार सप्तक का क्या अर्थ है?
तार सप्तक का अर्थ बताना है आपने इन चार विकल्प में से। तो जो आगे का तार सप्तक के जो अर्थ है वो है, एक ही प्रकार के भाव चेतना के तार में पिरोए सात कवियों की रचनाओं का संग्रह। विकल्प भी सही उत्तर होगा, तार सप्तक का अर्थ ही है। आगे के अनुसार, निम्न में से कौन सी रचना रंगे राघव की नहीं है? रंगे राघव की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो युगधारा नहीं है, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोशवत सिमटी रहे या चाहती नारी, खोल देने लूटने का पुरुष अधिकारी, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जो ये पंक्ति है ये है अगे की, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आह मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धार, तुम कहाँ से नारी, ये पंक्ति किस कवि की है? ये रिपीट हो गया है मेरे हिसाब से शायद, तो ये अगे की है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, इन पंक्तियों का मूल मंतव क्या है? ये बताना है आपने, ये जो पंक्ति दी गई है इन पंक्तियों का मूल मंतव क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पुराने शब्दों की अर्थवत्ता खो गई है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि का समावेश अगे संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? ये आपने बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन राजे, सुमन राजे, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तर्क स्थापना से प्रश्न है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया एक सामाजिक आंदोलन था, वर्ग संघर्ष की साम्यवादी विचारधारा और उस संदर्भ में नए मानव नए हीरो की कल्पना इसका उद्देश्य था, तो इसमें बताना है आपने, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये दोनों ही तर्क स्थापना सही है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रयोगवाद है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया था? ये भी PYQ का प्रश्न है, तो ये नंदुलारे वाजपेयी जी ने किया था, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, विकल्प सी, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गौण जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? ये भी PYQ का प्रश्न है, तो किसको पाले बैठी है? तो मुर्गे और तीतर को, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए चार विकल्प हैं, चार विकल्प में दिनकर के काव्य की विशेषताएं दी गई हैं और यहाँ पे नीचे कूट दिया गया है, तो आपने बताना है कौन सी है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा, दिनकर की जो काव्य की विशेषता है, जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, तो ए और सी आएगा, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये इसकी काव्य की विशेषता है दिनकर जी की, तो ये PYQ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रह का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम बताना है आपने, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, पहले आएगा इत्तलम, दूसरे नंबर पे कितनी नाव में कितनी बार, और तीसरे नंबर पे आएगा पहले में सन्नाटा, और चौथे में आएगा नदी की बाग पर छाए, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये काव्य संग्रह हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, इनके ये PYQ का पूछा हुआ, ये 2020 में पूछा गया था प्रश्न, तो मैंने उठा लिया है। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में अगे ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? तो प्रतीक पत्रिका का संपादन किया था, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तर्क और स्थापना, इनको आपने लगाना है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करिए। स्थापना है, प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो जाता है। तर्क, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल हो जाता है जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है, तो इसमें बताना है तर्क और स्थापना में कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें जो तर्क स्थापना है वो दोनों के दोनों ही गलत हैं, तो
तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची वन में दिए गए कवियों को सूची टू में दिए गए काव्य संग्रह के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है कवि को उनके काव्य संग्रह के साथ। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। रघुवीर सहाय की जो काव्य संग्रह है वो है आत्महत्या के विरुद्ध। केदारनाथ सिंह की है जमीन पक रही है। कुंवर नारायण की है आत्मजयी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है काट की घंटियाँ। तो इस तरह इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है डी आ जाएगा। डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का अवलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य पशु पक्षी नदी नाले वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन बताना है आपने किसका है। तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। ये भी PYQ का प्रश्न है। अगला प्रश्न है गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। यह पंक्ति किस कवि की है? यह आपने बताना है। यह जो पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवि निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं यथार्थवादी श्रेणी में। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता नहीं है। प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषता इन चार विकल्प में से नहीं है वो आपने बताना है। तो वो है पारिवारिक आदर्शवाद की भावना। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वयं के जिए हुए यथार्थ जीवन का चित्रण किस काल में अधिक हुआ? ये आपने बताना है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वयं के जिए हुए यथार्थ जीवन का चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? तो वो प्रयोगवाद में हुआ है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आगे का उपन्यास नहीं है? ध्यान से पढ़ना है नहीं है। तो वो है, तो इन चार विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा त्रिपथ का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि तार सप्तक समूह के नहीं हैं? तो वो हैं रघुवीर सहाय। तो तार सप्तक, चारों तार सप्तक के कवि आपको पता होने चाहिए उनमें कौन कौन से हैं कौन से नहीं हैं उनके सन के साथ। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तार सप्तक के ऊपर मैंने ट्रिक भी बना रखी है उनको याद करने की, देखना चाहें तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगला प्रश्न है प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये है अगे का। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक के कवि कौन हैं? इन चार विकल्प में से बताना है तीसरे सप्तक के कवि कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी PYQ का प्रश्न है, ये RPSC में पूछा गया था प्रश्न ये वाला, तो मैंने ले लिया है। तो देख सकते हैं सप्तक से संबंधित प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप तो ध्यान में जरूर रखिएगा। तो तीसरे सप्तक में जो कवि हैं वो हैं मदन वात्सायन, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी। ये तीन तीसरे सप्तक के हैं, बाकी अन्य सप्तक के हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन पाखी सुनो किसकी रचना है? वन पाखी सुनो तो ये है नरेश मेहता की। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आगे की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था कितनी नाव में कितनी बार। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है नहीं होती कहीं भी खत्म कविता नहीं होती कि वो आवेग त्वरित काल यात्री है, यह उक्त पंक्ति किसकी है? ये आपने बताना है। तो ये पंक्ति है मुक्तिबोध की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संबंध किस सप्तक से है? ये बताना है आपने। तो ये तीसरे सप्तक से हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अगे रचित आत्मनेपद किस विधा की रचना है? तो जो प्रमुख रचनाकार हैं उनकी जो रचनाएं हैं किस विधा से संबंधित होती हैं ये भी आपने ध्यान में रखना है। देख सकते हैं ये भी PYQ में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है निबंध संग्रह है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगे ने अपने लेखन के पीछे किसे प्रेरणा माना है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है तार सप्तक मूलतः किस कवि के दिमाग की उपज मानी जाती है?
ये आपने बताना है। तो ये प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में किस सप्तक के प्रकाशन से आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना जाता है? तो ये माना जाता है तार सप्तक से, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जन्म कब हुआ? प्रयोगवाद का जन्म हुआ 1943 में। हाँ, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष बताइए। दूसरे तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष तो ये है 1951, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, तर्क क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों का प्रतिष्ठित करना था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा इन चार विकल्प में से, तर्क और स्थापना में से दोनों ही सही हैं, तर्क और स्थापना विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद का प्रतिपाद विषय क्या है इन चार विकल्प में से? तो प्रयोगवाद का प्रतिपाद विषय है सामाजिक समस्या, घोर अहमवादी, नग्न यथार्थवाद। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तीनों ही हैं तो विकल्प डी सही होगा। रघुवीर सहाय किस सप्तक के कवि हैं, ये बताना है आपने, किस सप्तक के कवि हैं रघुवीर सहाय? तो ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राहों के अन्वेषी शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए किसने कहा? तो ये कहा था अगे ने, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद युग की पत्रिकाओं में स्थान नहीं है। प्रयोगवाद युग की पत्रिकाओं में किसका स्थान नहीं है इन चार विकल्प में से? तो ये हंस का नहीं है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की शाखाओं में शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? तो प्रतीकवाद, रूपवाद, प्रपदीवाद। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तीनों ही शामिल नहीं है। तो आगे करें इससे पहले, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाती हूँ। अगला प्रश्न है, नकेनवाद कहाँ पे प्रचलित हुआ? तो ये नकेनवाद प्रचलित हुआ बिहार में, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त और श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ने 1954 में किस पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था नई कविता का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह मुक्तिबोध का है? तो भूरी भूरी खाक धूली, तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चेतना के ओत प्रोत कवि कौन है इन चार विकल्प में से? तो वो है पंत, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रगतिवाद का दर्शन किससे प्रभावित है? तो ये प्रभावित है मार्क्सवाद से, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की किस कवि की रचना है? कलगी बाजरे की, तो ये है अगे की, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, परम अभिव्यक्ति की खोज की बात किस कवि ने की है? तो ये की है मुक्तिबोध ने, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ये थे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से 100 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है इन प्रश्नों को बनाने में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।